जिहड़ा परशोत्तम सोंधी है जिहड़ा 23 किलो हैरोइन दे केस दे विच सज़ा याफ्ता आ वो भी जिहड़ा आ भारतीय जनता पार्टी की मैंबरशिप लैंदा ते उहदे गल नूं पटका पा के उहनूं सन्मानित किया जाता तो शामिल कौन करते हैं मैंबरशिप कौन देंदे है कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी जी और 2008 दे विच वड्डे अटवाल साहब ने चरणजीत सिंह होरां ने यह कह के खंडन किया कि सोंधी एक आम वर्कर है तो सानू उहदे बारे जानकारी नहीं सी कि वह अजिहे धंधे च शामिल एक वड्डा तस्कर जिहदे नाल रिंकू अटवाल होरां दीआं इंद्र इकबाल सिंह अटवाल होरां दीआं सांझा साबित हो चुकियां ने ते अजिहे व्यक्ति नूं भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाउंदी है। हाँ जी ये देश नूं जां समाज नूं की सुनेहा देना चाहुंदे साहब उम्मीदवार बनाउणा चाहुंदी है जां चोर नूं बनाउणा चाहुंदी है जां डाकू नूं बनाउणा चाहुंदी जिहनूं मर्जी बनावे साडा उहदे नाल कोई लागा देगा नहीं पर सानूं ये तो समुचे पंजाब नूं ते देश के लोगों नूं स्पष्ट करना कि अज जिहड़ा आ भारतीय जनता पार्टी दे विच नशा तस्करां नूं भी मान सम्मान दिता जांदा है। सब तो पहली तो गल कि कौन किस पार्टी च हुंदा आ और उहनूं शामिल करन वाला कौन है ये दोनों धिरां ते डिपेंड करता। असीं किसी ते दूषण नहीं ला रहे भावें कि पंजाब दे अंदर नशे नूं लै के बड़ी गंदी राजनीति की गई है दूषणबाजी वाली इंतहा रही है पंजाब दे अंदर पर मोटी जी गल है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिस दे हाथ च अज देश की कमांड है तो जिहड़े कहिंदे कि असीं नशे दे विरुद्ध लड़ाई लड़दे हैं तो अज नशे का सब तो वड्डा तस्कर जिहड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर दीआं पौड़ियां चढ़ के भारतीय जनता पार्टी च बड़े माण सम्मान दे नाल शामिल हो जाता है वह है परशोत्तम सोंधी जिहड़ा 2008 दे विच 23 किलो हैरोइन दे नाल DRI ने जिहड़ी सेंट्रल एजेंसी है उन्हें ही उन्हूं गिरफ़्तार किया सी। कुछ रवां ने किया कि सोंधी बारे चर्चे ने कि ये सरदार चरणजीत सिंह अटवाल होरां दे ते उन्हां दे परिवार के बहुत नज़दीकी एक तरह परिवारक मैंबर है और 2008 दे विच वड्डे अटवाल साहब ने चरणजीत सिंह होरां ने यह कह के खंडन किया कि सोंधी एक आम वर्कर है तो सानू उहदे बारे जानकारी नहीं सी कि वह अजिहे धंधे च शामिल मन लिया कि कई व्यक्ति अजिहे हुंदे ने जिहड़े नाल तुहाडे तुरे फिरदे उहदे बारे तुहानूं जानकारी नहीं हुंदी पर हैरानी इस गल दी है कि परशोत्तम सोंधी 23 किलो हैरोइन च गिरफ़्तार हुंदा है उन्हूं अदालत सज़ा देंदी है हाई कोर्ट उहदी 10 साल की सज़ा बरकरार रखती है तो 10 साल की सज़ा कट के 2 साल पहले जेल चों बाहर आया तो भारतीय जनता पार्टी च इंद्र इकबाल सिंह अटवाल जिन्हां नूं रिंकू अटवाल भी कहिंदे ने वह शामिल होंदे ने तो उन्हां दे नाल 4 व्यक्ति होर शामिल होंदे ने केवल 4 जिहदे च उन्हां दे सारे एक तरह परिवार के मैंबर तो परिवार के मैंबर के विच ही जिहड़ा परशोत्तम सोंधी है जिहड़ा 23 किलो हैरोइन दे केस दे विच सज़ा याफ्ता आ वह भी जिहड़ा आ भारतीय जनता पार्टी की मैंबरशिप लैंदा तो उहदे गल च भी पटका पा के उहनूं सन्मानित किया जाता तो शामिल कौन करते हैं मैंबरशिप कौन देंदे है कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी जी तो गुजरात के जिहड़े साबका मुख्यमंत्री है विजय रूपानी जी तो होर जिहड़ी वड्डी लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी और इत्थों तक कि इंद्र इकबाल सिंह अटवाल जिहड़े भारतीय जनता पार्टी च शामिल हो चुके हैं तो हुण जलंधर तो उम्मीदवार ने वो अपनी शमूलीयत तो बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह के घरे जाते और उत्थे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रधान JP नड्डा जी ने जिहड़े मुड़ उन्हां नूं सन्मानित करते हैं तो उन्हां सन्मानित होने वालों गृह मंत्री के घरे जाने वालों च गृह मंत्री नूं जफ्फी पाउण वालों च परशोत्तम सोंधी भी एक है तो साडा तो मोटा जिहा सवाल है कि एक वड्डा तस्कर जिहदे नाल
ਰਿੰਕੂ ਅਟਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸੋਂਧੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸੋਂਧੀ ਹੋਰੀ ਸਾਂਭਣ ਡਏ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜੰਮ ਜੰਮ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ